अगली खबर आ रही है जबलपुर से, जहां 500 रुपए दो और एक महीने के लिए बेरोक टोक जबलपुर से निकलो, ऐसा स्टिकर ट्रक चालकों को जबलपुर आरटीओ विभाग दे रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर रीवा के बीच चलने वाले ट्रक चालकों से बात की तो उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीओ यहां से निकलने वाले वाहन चालकों से 500 रुपए का स्टिकर देकर टैक्स वसूल रहा है। हालांकि इन आरोपों को आरटीओ विभाग सिरे से नकार रहा है। जबलपुर कटनी रोड के स्लिमनाबाद के पास वाहनों की चेकिंग करने वाली आरटीओ की टीम पर ट्रक चालकों ने आरोप लगाया है कि गाड़ी के पूरे कागज होने के बाद भी उनसे अवैध रूप से जबरन वसूली की जा रही है। आरटीओ विभाग ट्रक चालकों को गोल्डन स्टिकर देता है, उनसे 500 रुपए लेकर एक महीने के लिए आने जाने को वैलिड कर दिया जाता है। महाराष्ट्र से बिहार जा रहे ट्रक चालक महेश यादव ने बताया कि आरटीओ की तरफ से 500 रुपए लेकर गोल्डन कार्ड दिया गया है। वह ट्रक लेकर महाराष्ट्र नागपुर से बिहार जा रहे थे। जैसे ही वह स्लिमनाबाद पहुंचे तो रोड पर खड़ी आरटीओ की टीम ने उसे रोक लिया। महेश ने बताया कि उसके पास सभी दस्तावेज थे, इसके बाद भी उससे 500 रुपए लिए। कहा गया कि यह गोल्डन कार्ड है, यह कार्ड एक महीने वैलिड रहेगा। ट्रक चालक ने बताया कि इस तरह का कार्ड सिर्फ जबलपुर ही नहीं बल्कि रीवा में भी दिया जाता है। इस तरह की अवैध वसूली कई दिनों से चली आ रही है। परिवहन विभाग में पदस्थ उप निरीक्षक अक्षय कुमार का कहना है कि हम उन वाहनों की चेकिंग करते हुए फाइन करते हैं जिनके कागज कंप्लीट नहीं होते हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं। किसी को भी कोई गोल्डन कार्ड नहीं दिया जा रहा है। जिन पर फाइन किया जाता है उन्हें विधिवत रसीद दी जाती है। 500 की रसीद दी है सर। क्या दिए हैं ये? गोल्डन कार्ड के। क्या बोल रहे हैं ये? बोले कि एक महीने तक के होल्ड हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर? फिर एक महीने के बाद फिर आएंगे, फिर लगेगा। नहीं नहीं, कोई भी किसी प्रकार का ये आरोप बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है हमारे ऊपर जी। किसी प्रकार के अगर किसी से अगर पैसे लिए जाते हैं तो उसकी चालानी कार्रवाई की जाती है। आप लोग नेम प्लेट भी नहीं किसी की? नेम प्लेट नहीं किसी की। वो तो आज ही बदली बदले, आपकी भी नहीं हुई है ना? कहाँ नेम प्लेट लगी? नहीं लगी।